नमस्कार, मैं विनायक राउत रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र में इंडिया आघाड़ी का उम्मीदवार करके फिर एक बार चुनाव लड़ रहा हूँ और आप देख रहे हैं बी ब्लंट पॉडकास्ट। देखते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद विनायक राउत जी, वेलकम टू बी ब्लंट पॉडकास्ट। यस यस सर, मुझे एक बात बताइए, आप MLA एक बार दो बार, अब तो सिटिंग MP भी, विधान परिषद का भी, विधान परिषद में MLC थे। हाँ। तो इतने लोग जब पार्टी छोड़ के गए, और जो भी है उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी या जो भी थी, आप लोगों ने पन्ना खोके भी जो स्लोगन निकाला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आप उस दिशा में नहीं बढ़े? मतलब ऐसा क्या कन्विक्शन था आपका जो आप शिवसेना के साथ खड़े हो आज भी? हमारे लिए हमारे मातोश्री यही हमारे मंदिर है, यही हमारे सब कुछ है। जब हम मातोश्री से गद्दारी करेंगे तो मेरी जगह जो नर्क बोलते हैं उसमें रहेगी, ये मानने वाला, ये सोचने वाला मैं हूँ। ऐसे कई लोग हैं आज भी, लेकिन कभी कभी दुख ऐसी इस बात की होती है। अभी माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी ऐसे कई लोगों के ऊपर बहुत मेहरबानी की है, बहुत मेहरबानी की है। अगर आज के भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अगर ईमानदारी से कहे कि आप भगवान के पर हाथ रख के कहो कि आपको जो पहली बार विधानसभा का टिकट मिला, AB फॉर्म मिला, तो आपको देने के पहले उस क्षेत्र से किसी को दिया था? हमारे शिवसेना के ज्येष्ठ नेता सतीश प्रधान, उन्होंने बाला साहब ने उन्हें दिया था टिकट दिया था। लेकिन यही एकनाथ शिंदे उद्धव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे अगर MLC असेंबली का टिकट देते तो मैं लंबा दौड़ का घोड़ा हूँ, और इन्हें सतीश प्रधान जी को आप और भी कुछ दे सकते, तभी मैं थाना कॉरपोरेशन का जो क्षेत्र है वहाँ का संपर्क प्रमुख था, MLA भी था। उद्धव साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप बाला साहब के साथ बात करें तो आपका मान जाएंगे बाला साहब। दूसरे दिन मैं बाला साहब के पास गया, माफ़ी मांगा, और उन्होंने कहा, साहब से कहा कि आप सतीश प्रधान साहब को AB फॉर्म तो दिया है, एक्चुअली AB फॉर्म दिया था, उन्हें भगवत तिलक भी लगाया था, तो वो अगर उसके जगह पे अगर एकनाथ शिंदे जी को देते हैं तो नौजवान है, अब भविष्य में उसका फायदा बहुत हो सकता है, और सतीश प्रधान साहब को आप राज्यसभा भी दे सकते हैं, अगर ऐसा सोचे तो आपकी कृपा हो जाएगी। भवानी माता की कृपा से बाला साहब ने माना और सतीश प्रधान को दिया हुआ AB फॉर्म कैंसिल करके एकनाथ शिंदे को दिया है। ये उसका आप गवाह हो इस बात, गवाह हो, उद्धव जी गवाह है, मिलिंद नार्वेकर गवाह है, समझे? लेकिन ठीक है, जिनके लेकिन आने वाले वक्त में जब उद्धव जी CM थे तो उन्होंने मेरे ख्याल से सबसे जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी थी वो भी उनको दिया हुआ था, शायद नगर विकास खाता जो है, बहुत कुछ CM अपने पास रखते हैं, वो उन्होंने दिया, बहुत कुछ दिया। एकमात्र देश का CM ऐसे है, उनका नाम उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने आपके पास खुद के पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखा था, एक और, भी नहीं। नगर विकास ऐसा खाता है जो कोई CM जल्दी छोड़ते नहीं है, CM हो, नगर विकास हो, होम हो, ऐसे कई, लेकिन बिल्कुल उन्होंने एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखा था, जो भी कुछ आता है आप लो आप लो आप लो। लेकिन इतनी बेईमानी जब होती है सिर्फ कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के ED के वजह से, तो जिस ED का मुकाबला हमारे संजय राउत जी साहब ने किया वैसा मुकाबला और ये लोग कर सकते थे जी। लेकिन एक उसमें और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बेईमानी कितनी हद तक गई है। हमारे अभी 4 दिन पहले विधान परिषद के एक सदस्य अमशा पाड़वी, जो कि नंदुरबार के निवासी है, एक आदिवासी जी, एक गरीब कार्यकर्ता, आदिवासी कार्यकर्ता, कुछ इनकम का सोर्स नहीं, फ्यूचर में कुछ भी नहीं, लेकिन विधानसभा में भी उसने अच्छी लड़त दी थी, लेकिन विधान परिषद का जब सवाल आया, जो उपलब्धि सामने देखी, उद्धव साहब ने हमें 2-4 जन हम लोग जो बैठे थे उन्होंने कहा कि क्या करें, किसको दे, हम लोगों ने कई जन का नाम सुनाया,
कई जनका नाम के सबके सामने पेश की। लेकिन उद्धव साहब ने हमें कहा रात को 8:30 बजे कि आप, मैं अमशा पाड़वे को MLC करना चाहता हूँ, आप उनको ढूंढ के निकालो। ओ अमशा पाड़वे मुंबई से 450 किलोमीटर दूर थे, वहाँ कुछ कांटेक्ट नहीं होता था, उन्होंने कभी मांगा भी नहीं था विधान परिषद, सोचा भी नहीं था। लेकिन वहाँ के हमारे जो संपर्क प्रमुख है बबन थोरात, उन्होंने उन्हें मैंने मैसेज दिया साहब का, उद्धव साहब का, बबन थोरात ने उनको ढूंढ के निकाला और दूसरे दिन सवेरे मातोश्री पे उनको बुलाया और साहब ने उनको बोला कि मैं आपको विधान परिषद देना चाहता हूँ। एक्चुअली आधा घंटा तक वो रोया, उसको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इट वॉज अ सरप्राइज यानी कई पार्टी में करोड़ों रुपया देकर विधान परिषद राज्यसभा देते लेते थे, यहाँ अपने एक कार्यकर्ता को ढूंढ के निकाल कर उसको विधान परिषद को से सम्मानित करना कुछ सादा काम नहीं था, उतने बड़े दिल होना चाहिए। वही अमशा पाड़वी परसों वही उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ बेईमानी करके एकनाथ शिंदे के गुट में गए। कहाँ कही क्या इंसानियत है, ये कुछ राजनीति का विचार हो सकता है? तो क्या आपको लगता है कि अभी उद्धव जी को जो है अभी मोर केयरफुल रहना पड़ेगा इन फ्यूचर, जब लोगों के लिए कुछ पोजीशंस और ये? केयरफुली तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन उनका नेचर वैसा है नहीं है, बॉसिंग करना ये उनके नेचर में है नहीं, मिसयूज ऑफ पावर ये उद्धव जी साहब ने कभी नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। एक उनकी सिंपलिसिटी का और डाउन टू अर्थनेस का एग्जाम्पल बताइए। देखिए आज भी और कभी हमारे मुंबई में कई कई बार नैसर्गिक आपत्ति आती थी और नैसर्गिक आपत्ति में सबसे पहले लोगों को मदद करने के लिए जाने वाली हमारी शिवसेना। जब बाढ़ आई थी एक बार, तब बाढ़ में हमारे वाकोला जो है वाकोला रिवर, उसका पूरी तरह से बाढ़ से जो इर्द गिर्द रही बस्ती पूरी तरह से पानी में डूब गई थी जी। उनको बचाते वक्त हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत किया जी। वही मेहनत करने वाला हमारा एक जो शिवसैनिक एक सामान्य कार्यकर्ता, उसको भी बेचारे को मलेरिया से वो बीमार हो गया और कॉलरा ये सब कुछ उसको घेर लिया और उसको एडमिट किया। हमारे वहाँ के विधायक संजय पोतनीस, उन्होंने बातों बातों में ऐसे ही कहा कि हमारा एक कार्यकर्ता बहुत सीरियस है, कुछ बचने का होप्स नहीं है, तो भगवान के भरोसे के ऊपर अभी वो दिन निकल रहे। तो तुरंत उद्धव जी बाहर निकले, हॉस्पिटल में हम लोग गए देखने के लिए, उद्धव जी और सब लोग हम लोग हॉस्पिटल में गए, केम हॉस्पिटल में, वेन देसाई हॉस्पिटल में, और वहाँ उनके पास जाकर उसको समझाया, उसको आधार दिया और संजय पुत्री सबको बोला कि उनको तुरंत लीलावती हॉस्पिटल में शिफ्ट करें अपने घर। भगवान की कृपा से आज ही अलाइव, ये अलाइव और अच्छा खासा अभी जी रहे। सो दिस इज उद्धव जी, दिस इज उद्धव जी। सो मुझे बताइए कि जब इतना बड़ा पॉलिटिकल भूकंप हुआ आपकी सरकार जब थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार के ही अंदर कुछ इंटेलिजेंस या कोई एजेंसी जो है वो NDA के लिए काम कर रही थी? क्या आपको नहीं पता चला? यस करती थी, जो ब्यूरोक्रेट्स की एक लॉबी थी वो करती थी, अपने शिवसेना के पार्टी से कुछ लोग थे वो करते थे। शुरू में उसके ऊपर ध्यान में नहीं आया, लेकिन बाद में जब पता चलने लगा महीने दो महीने में, तो कई लोग ऐसे सबको पीछे पड़ते थे कि देखो हमें बचाना है तो आपको कांग्रेस और NCP को छोड़ना पड़ेगा, NCP के अजीत पवार बहुत दादागिरी करते हैं, हमें फंड नहीं देते, हमारा कुछ भी प्रपोजल मंजूर नहीं करते और हमें परेशानी हो रही है, सिर्फ मुंबई से नहीं गांव तक। ओके जो उनके गार्डियंस मिनिस्टर है वो दादागिरी करते, ऐसे बहुत एग्जाम्पल थे हमारे सामने, CM सबको हम लोग बोलते थे। लेकिन तभी ये अभी के जो शिंदे गट, जो गद्दार गट जिसे हम कहते हैं, उनके सारे के सारे लोगों की शिकायत अजीत पवार के खिलाफ थी। और आज वहाँ बैठे हुए साथ में अजीत पवार को आप छोड़े और BJP के साथ चले, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हमेशा बोलता था। नहीं तो बोलते थे देखो अगर आप BJP के साथ नहीं जाएंगे तो हमें जेल में जाना पड़ेगा,
मेरे बीबी को जेल में जाना पड़ेगा, मेरे बेटे को जेल में जाना पड़ेगा, ये एकनाथ शिंदे जी बोले थे। ओ और भी कई जन। अच्छा और भी है। ओके तो सारे लोगों का एकमात्र कारण था ईडी ने हमें परेशान किया है। और ईडी का गत यानी मिसेज ऐसा किया है आज के राज्यकर्ताओं ने कि और ईडी ने ऐसे कपट कारस्थान किया कि एक विधायक को सिर्फ उन्होंने पकड़ा ऐसा नहीं है, तो विधायक के साथ उसके पूरे फैमिली, उसकी धर्मपत्नी हो, उसके बेटा हो, उसकी बेटी हो, बेटी के अगर शादी हुई होगी तो उसके हस्बैंड हो, ये सारे लोगों को ईडी अपने कब्जे में लेती थी और सबको धमकी देते थे, आपको सोचना पड़ेगा नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाएंगे तो 1.5 वर्ष अंदर रहना पड़ेगा, जमीन में जमीन के ऊपर सोना पड़ेगा। ऐसी धमकी आज भी ईडी और एसीबी हमारे रत्नागिरी के राजापुर के जो एमएलए है राजन सालवी उनको दे रहा है, उन्हें उनके मिसेज को, उनके बेटे, उनका भाई, उनके भाई की मिसेज, भाई का बेटा, सबको कहते हैं अगर आप अगर इसके ऊपर अच्छी तरह से सोचकर अगर कुछ भूमिका निभाते तो आप बच जाएंगे, नहीं तो आपको जेल में जाने की तैयारी रखना पड़ेगा। ये जो मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ ईडी, मिसयूज ऑफ एसीबी, इनके वजह से कई लोगों को मजबूरी से जाना पड़ा और कई लोगों को अपने निजी स्वार्थ के लिए गए। सर मुझे एक बात बताइए, जैसे ईडी ने एक फाइल किया केस, तो क्या जुडिशियल सिस्टम या कोर्ट भी प्रेशर में है? कोर्ट में तो, कोर्ट तो डेफिनेटली प्रेशर में है। सिर्फ एकमात्र अपने महाराष्ट्र में एकमात्र संजय राउत जैसे नेता ऐसे निकले और उसके बाद हमारे सूरज चव्हाण, कि उन्होंने कहा मैं ईडी के जेल में जाना पसंद करूंगा लेकिन इनके शरण में नहीं जाऊंगा, और वो गए जेल में और गए। परसों भी एडवोकेट अनिल परब के जो रिसॉर्ट है दापोले में, उसके बारे में भी हाईकोर्ट ने कहा कि आप पर्टिकुलरली एक ही ये जो है सदानंद कदम, उससे क्यों परेशान कर रहे हैं, बाकी के सारे कोस्टल एरिया के जो प्रॉपर्टीज है सीआरजेड के, उसको क्यों नहीं ध्यान देते। मुझे एक बात बताइए, जैसे हर प्रोफेशन में, जैसे इंजीनियरिंग के लिए आप बी करते हो या मेडिकल के लिए आप डॉक्टर करते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिशियन बनने के लिए भी कुछ क्रैश कोर्स होना चाहिए, कि आप जब पब्लिक लाइफ में जा रहे हो तो कुछ तो एक ट्रेनिंग या कुछ होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है ट्रेनिंग देकर कुछ बहुत बड़े अच्छे पॉलिटिशियन या लोक प्रतिनिधि बनते, उनके प्रति अपनी जो आइडियोलॉजी है, विचार जो है, विचार की संस्कृति है, जिस पार्टी का आप काम करते हैं उसे ईमानदारी से रहना, ये भावना तो उसके दिल में तो होनी चाहिए। जिन्होंने आपको पॉलिटिक्स में जन्म दिया उसकी विचारधारा उसके दिल में होनी चाहिए। और हम शिवसेना के जो लोग हैं उस वक्त के, उनको सारे के सारे लोगों को 80% सेवा धर्म और 20% राजकारण पॉलिटिक्स, ये सीख थी बाला साहब, ये बाला साहब की सीख आज भी वैसे के वैसे हमारे दिल में है। मतलब उसी वक्त से आप इंस्पायर थे बहुत बाला साहब ठाकरे, बाला साहब के बाद जब से मुझे समझ आई तभी से मेरे दिल में बाला साहब के प्रति बहुत प्यार और आदर निर्माण हुआ। मराठी शॉर्ट हैंड सीखना चालू की जी, तो मराठी शॉर्ट हैंड सीखने के बाद हमारे शिवसेना के नेता आदरणीय मनोहर जोशी जी वो भी मेरे लाडले नेता थे, तो उनको मैंने बताया मैंने मराठी शॉर्ट हैंड कंप्लीट किया, तो उन्होंने मेरी टेस्ट ली। अच्छा, एक 3-4 मिनट का डिस्कशन। प्रोफेसर आल्सो यस। दूसरे दिन उन्होंने, मनोहर जोशी जी ने मुझे पकड़ा हाथ और बाला साहब के पास लेकर गए और बाला साहब को बोले कि आज से ये लड़का आपके मदद के लिए मैं दे रहा हूँ। क्या बात है। तभी से साहब के पास सवेरे के टाइम या रात के टाइम में जाता था, मार्मिक था, सामना नहीं था, तो मार्मिक के जो एडिटोरियल रहते थे संपादकीय उसका डिक्टेशन भी मैंने कई बार लिया बाला साहब। अच्छा, का ये उस वक्त इमरजेंसी थी जी, इमरजेंसी वक्त के वक्त भी जब कांग्रेस के तब एक मुंबई के बहुत बड़े नेता थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, उन्होंने बाला साहब को एक बार धमकी दी थी कि अगर आपने इमरजेंसी को समर्थन नहीं किया तो आपको अंदर जाना पड़ा। लकीली मैं वहाँ बैठा था तभी शाम के टाइम, तभी बाला साहब ने कहा था आप आ जाओ, मैं मेरा बैग तैयार करके रखा है, आपकी पुलिस की गाड़ी भेजो
मेरी बैग मैंने तैयार रखी है। लेकिन सद्भाग्य से ये बात जब इंदिरा जी से पता चली जी, तब माननीय इंदिरा जी ने उस महाराष्ट्र के नेताओं को कुछ कड़ी समझ भी दी जी। और जब इंदिरा जी मुंबई में आई तो उन्होंने बाला साहब को खुद बुला के भी लिया था, और तभी बाला साहब ने लेकिन कहा था कि जो अच्छा काम के लिए और देश की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, इसीलिए आप अनुशासन पर्व लाना चाहते हैं तो मेरा समर्थन रहेगा। लेकिन इमरजेंसी का नाजायज फायदा लेकर अगर किसी को अगर परेशान करने की कोशिश आपके लोग करते होंगे तो हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तभी इंदिरा जी ने कहा आप जैसे काम करते वैसा करते रहे, आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, ना आपके सामना के ऊपर जब्ती आएगी। उस वक्त ईडी भी नहीं थी, लेकिन तभी इतनी ऊंचाई के नेता बाला साहब वैसे व्यक्तित्व थे। 82 में मैं सेलटेक्स में स्टेनोग्राफर करके ज्वाइन हुआ। 85 में मुंबई कॉरपोरेशन का चुनाव जब आया तब बाला साहब की मुझे मेहरबानी हुई और बाला साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया। और एक वक्त ऐसा था जी, रात को एक 10-10:30 बजे बाला साहब ने खुद फोन किया और उन्होंने मुझे बताया क्या कर रहे हैं। मैं बोला बैठा हूँ, अब जैसे आ जाओ। उस दिन बाला साहब के पास एक कोई महान संत आए थे जी, हिमालय से जी। उन्होंने बाला साहब को 5 रुद्राक्ष दिए थे, तो उसमें से एक रुद्राक्ष बाला साहब ने मेरे लिए रखा था। क्या बात है। वो पदर में उन्होंने रुद्राक्ष रखा, माता जी के पास इसकी पूजा करे जी और यशस्वी हो और फिर मुझे मिलने के लिए आ जाइए। तभी वो कॉरपोरेशन में पहली बार मुझे सफलता प्राप्त हुई। मतलब ये बाला साहब थे कि उनके पास कोई नेपोटिज्म या ग्रुपिज्म नहीं? बिल्कुल नहीं। जो काम करेगा, जो उनके मन को लगेगा, फिर वो छोटा हो या बड़ा हो। यस, दिल से प्यार करते थे, दिल से प्यार करते थे। उस वक्त भी हमारे शबीर भाई से जी उनको मिनिस्टर थे, वो मिनिस्टर बने ना उन्होंने। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के कार्यकर्ता इसीलिए उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया। एक बाला साहब का सच्चा कार्यकर्ता, शिवसेना का एक जबरदस्त कार्यकर्ता, ये रूप में उन्होंने देखा शबीर भाई को और मिनिस्टर बनाया। सर, आज की डेट में जो है ना, रीजनल पार्टीज जो है हर स्टेट और नेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो वहाँ के लोकल्स को कनेक्ट करती है। अब रिसेंटली जो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि मैं वापस आया बट एनसीपी और शिवसेना को तोड़ के आया, तो इज इट हार्मफुल फॉर द डेमोक्रेसी? डेफिनेटली। आज इनकी जो कपट नीति है कि केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर पावर से बीजेपी को दूर रखे, और कई बार कोशिश करने के बाद भी उद्धव जी कांग्रेस और एनसीपी को जो शब्द उन्होंने दिया था, जबान दी थी, उसे दूर हटे नहीं, भाजपा के साथ गए नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव जी को ख़त्म करने के लिए ये गद्दार लोगों को हाथ में लिया, गलत राजनीति की। और गलत राजनीति करते वक्त जैसे भी कहा कि सारे सेंट्रल एजेंसी के हाथ में लिया और लोगों को परेशान करने के लिए शुरुआत की। और इसीलिए शिवसेना जैसे रीजनल पार्टी, शरद पवार जी का एनसीपी कि जिस एनसीपी के ऊपर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 4 दिन पहले आरोप किया था 70,000 करोड़ का, नेशनल करप्ट पार्टी बोल के, नेशनल करप्ट पार्टी करके उसके नाम भी दिया था, वही 70,000 करोड़ का घपला करने वाला अजीत पवार आज उनके डिप्टी सीएम बने। सो क्या सर, कहीं ना कहीं अपोजिशन भी लोगों को कन्विंस करने में थोड़ी सी कमी रहेगी कि क्या हो रहा है गवर्नमेंट में और किस तरह से लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, ये बातों को आप लोगों तक ले जाने में थोड़े कहीं कम हुए ऐसा लगता है? कम नहीं, हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन संसद में क्या हुआ, जब सच्चाई के बात करने लगे अपोजिशन के तो उनको एक साथ सस्पेंड, 92 दोनों हाउस के 92-96 सांसद एक साथ सस्पेंड, आज के जो कि देश की हिस्ट्री में नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और दूसरे दिन से क्या हुआ, जो जो लॉबी में जाता था उसे तुरंत 5 मिनट के अंदर सस्पेंड। 143 सांसद सस्पेंड करने वाले
मोदी सरकार एक देश का संविधान बचाएंगे, देश के गरीबों को कुछ न्याय देंगे या रीजनल पार्टी को खत्म करेंगे, ये सारे देशवासियों ने सुना है। सो क्या ये, अगर ये सारी चीजें जो इवेंट्स हो रहे हैं, क्या देश डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने का कोई प्रयास है? डेफिनेटली जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा और कहता हूँ पिछले मुद्दा, हम संसद में जो भी गलत तरीके से काम हो रहा है वो जब विचार व्यक्त करके रखना चाहते थे तो सस्पेंड करके आवाज बंद कर चुका। मीडिया में, मीडिया के पास जाकर जब हम बात करते थे तो मीडिया के ऊपर भी सेंसरशिप आई है। अभी कुछ बताने की ये अंदर की बात नहीं रही, सब लोगों जानते हैं। बाकी के जो प्रश्न है वो भी कई बार लोगों को हम समझाते हैं, लोग भी समझते हैं। इसीलिए कृषि कानून लोगों के वजह से उन्हें वापिस लेने पड़े। 15,000 सैलरी लेने वाला ड्राइवर, चाहे उनसे गलती हो या न हो, तो भी उसको 10 लाख का जुर्माना और 5 वर्ष का इम्प्रिजनमेंट होती थी जी। आज इस देश डिक्टेटरशिप के तरफ जा रहे हैं। उसका उदाहरण ऐसा है कि दिल्ली सरकार लोगों के लिए चलाने वाला वहां सरकार है, जो संविधान से तैयार, अरविंद केजरीवाल जी की, संविधान से कुछ उनके ऊपर पाबंदी आई दिल्ली में, वहां के LG और गवर्नमेंट का जो झगड़ा था, तो लोकनियुक्त CM वहां चपरासी बना दिया और अपने मर्जी से जिसे वहां ने अपॉइंट किया था वो LG बहुत बड़ा शर्मजाशा बन गया। उसके खिलाफ जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कहा कि लोकनियुक्त लोक सरकार, जो लोक सरकार है, उन्हें उनके अधिकार प्राप्त होनी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके तबादला करना या उनका अपॉइंटमेंट करना, ये पूरी पावर वहाँ के मुख्यमंत्री की है। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वही 15 दिन के बाद संसद में दिल्ली ऑर्डिनेंस आया और दिल्ली ऑर्डिनेंस का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खारिज कर दिया और दिल्ली ऑर्डिनेंस को सुपर बॉस किया। आज दिल्ली के CM को खुद के प्यून का ट्रांसफर करने का भी अधिकार नहीं रहा, पावरलेस कर दिया, बेसिकली पावरलेस कर दिया। मुझे बताइए, ये नानर से बारसू ये मुद्दा चले जा रहा है, लोग तो वहां चाह नहीं रहे रिफाइनरीज को, ओके, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? देखिए, हमारे कोकण तो आपने देखा एक निसर्ग सौंदर्य है, यहाँ कुछ भगवान की कृपा से कुछ कम है नहीं है, तो वही भगवान की कृपा देखकर वो मेहनत करते हैं। वहाँ कैशनट हो, आम हो, नारियल हो, सुपारी हो, ऐसे फलों का उत्पादन करते हैं। आज 80% नारियल उत्पादक परेशान है वो जो मंकी की तरफ से, एक नारियल उनके हाथ में नहीं आता, खराब कर देते हैं। बेमौसमी बारिश से आम और काजू उत्पादक परेशान है, उनको कुछ आधार नहीं मिलता है। लेकिन तो भी अन्य प्रांत में जैसे किसान रास्ते पे उतर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते, हमारे कोकण के लोग वैसे नहीं करते, वो शांति से अपने विचार रखते। ऐसे कोकण में आज जब खेड़ रत्नागिरी, वहाँ पूरा का पूरा केमिकल जोन है, वहाँ के केमिकल जोन के जो भी फैक्ट्रीज है उनके सारे वेस्ट वाटर अरबी समुद्र में छोड़े जाते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ की मछली हो, प्रदूषण हो, बढ़ता जा रहा है, मछली उत्पादन कम हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति में नानार हो या बारसू में रिफाइनरी जैसी पेट्रोकेमिकल यूनिट और इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, अगर वहाँ आता है 15,000 एकड़ में, तो आज कोकण जिस परेशानी सहन कर रही है, भविष्य में वही रिफाइनर के माध्यम से निर्माण होने वाले प्रदूषण हो, उसके वजह से यहाँ के आम उत्पादक, काजू उत्पादक और समुद्र के ऊपर वो जो निर्भर है मच्छीमार, उनका कुछ साथ बरा है नहीं है। जब ये लोग आपके साथ में थे तब इन्होंने अपोज किया था नानार को या देवर इन द फेवर? नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में थी तभी नानार रिफाइनरी का मुद्दा उद्धव साहब ने कहा और नानार रिफाइनरी उन्होंने कैंसिल करनी पड़ी देवेंद्र फडणवीस साहब को। आज के जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके दो बेटे हैं वो रिफाइनरी के खिलाफ लड़ते थे,
अच्छा, लड़ते थे, जोर से लड़ते थे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद सब चुप बैठे, रिफाइनरी का समर्थन करने लगे। लेकिन उद्धव जी ठाकरे साहब और मैं आज भी, कल भी और जब तक हम लोग हैं यहाँ, रिफाइनरी के खिलाफ ही लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें कोकण को बचाना है, कोकण का सत्यानाश नहीं करना है। काजू को एक MSP मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गोवा में मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। आम उत्पादक किसानों को पीएम बीमा योजना का फायदा मिलना चाहिए, फसल बीमा योजना का, वो नहीं मिल रहा है। पर एक तरफ अन्याय करना और दूसरी तरफ हमारे सिर के ऊपर रिफाइनरी जैसा प्रोजेक्ट लाकर लोगों को उध्वस्त करना, ये कहाँ की बात हो सकती है। सर मुझे एक बात बताइए कि अभी आपने रिसेंटली मनसे के बारे में सुना होगा, मनसे हैव अ हिस्ट्री के वो पास्ट में एंटी नॉर्थ इंडियन उनके रिमार्क्स थे या एंटी मोदी जी के भी रिमार्क्स थे, अब सडनली जो है राज ठाकरे जी जो है वो अलायंस में जा रहे हैं, मतलब हाउ इट विल इफेक्ट शिवसेना। उसको सेटिंग नाम का एक जो वर्ड है अभी बहुत घूम रहा है, सेटिंग, और ये ऐसी सेटिंग होने वाली थी, ये 4 महीने पहले हमें मालूम था, सारे लोगों को मालूम था। आपके पास भी खबरी थे इसके? खबरी थे, बहुत खबरी थे। अच्छा, हाँ, उसका अभी प्रूव हो गया, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उनके लोगों को बोल रहे थे कि ये दोनों सेटिंग सेट हो जाएंगे, ये उनका ऐसा वर्ड है, सेट हो जाएंगे, कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन एक विशेषता ऐसी है, ये एक ही चुनाव ऐसा नहीं है कि मन से भाजपा के साथ गई या गद्दार गट के साथ गई, इसके पहले भी जो जो चुनाव हुई, हर एक चुनाव में मनसे के प्रमुख जो है राज ठाकरे, इन्होंने सिर्फ उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ, इस बहाने से उद्धव जी ठाकरे के विरोध में जो जो पार्टी रही उनको इससे पहले भी मदद कर चुके हैं। सर मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में इंजीनियर डॉक्टर सब बनना आसान है, बट फार्मर बनना सबसे मुश्किल है। आज अगर फार्मर है, अगर आपने बताया कि मैं फार्मर हूँ तो आपको लड़की भी नहीं मिलती, तो ये क्या पॉलिटिकल विल की वजह से फार्मर्स की आज तक पूरे 70 साल में हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है? सही बात है, इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तभी उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, किसानों को एक सम्मान देने का उन्होंने सोचा था। जब हमारे शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, तभी किसानों के हित के लिए उन्होंने स्वामीनाथन आयोग का निर्माण किया और स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट को अप्रूवल दिया कैबिनेट ने, सेंट्रल कैबिनेट ने। लेकिन दुर्भाग्य से यही भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 2014 के हम स्वामीनाथन आयोग का अमल करेंगे ऐसे लोगों को वादा किया था देशवासियों को। आज स्वामीनाथन आयोग तो छोड़े, किसानों को हर 3 महीने के बाद दो हज़ार रुपये देकर मेहरबानी हम किया किसानों के ऊपर, ऐसे जो बताना चाहते उनको मालूम नहीं कि अपने महाराष्ट्र में यवतमाल जैसे जो डिस्ट्रिक्ट गए वहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान करते हैं। क्यों? अभी क्लाइमेट चेंज के वजह से बारिश तो 12 माह बारिश हो चुकी है, अभी अभी लास्ट 8 दिन पहले भी जो बारिश हुआ विदर्भ और मराठवाड़ा में, वो सिर्फ बारिश नहीं तो बर्फबारी भी हो गई, आइस फॉल हो गए। और इस एक बर्फबारी जब होती है तभी द्राक्ष हो, तरबूज हो, टमाटर हो, ओनियन हो, ये सारे अनाज को सत्यानाश होते, तोड़ देते, काट देते। तो ऐसे किसानों को मदद करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार ने SDRF या NDRF में जो भी अभी नॉर्म्स है उसके आगे जाकर मदद करने की जो आवश्यकता है, आज तक इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने महाराष्ट्र के साथ देश के किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। बट सर वो इतने जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी जो चल रही है उसका क्या? सिर्फ गारंटी TV के ऊपर एडवर्टाइज दिखाने के लिए, अगर असलियत में देखे तो राशन में 2 चीज मुफ्त देते, चावल और गेहूं। लेकिन चावल और गेहूं खाकर कोई इंसान जिएगा, जी रहेगा? अगर वही अगर उसको अनाज का पकाना हो तो उसको दाल होनी चाहिए, तेल होना चाहिए, रॉकेल होना चाहिए, गरम मसाले होने चाहिए,
उसके अगर दाम देखे तो हमारे मराठी में कहते हैं कि भीख नकोपन कुत्रावर, वैसी चल रही है अभी। तो मुझे बताइए, क्या आने वाले असेंबली चुनाव में, ये तो अब लोकसभा चुनाव की बात है जिसमें आपका स्टेटमेंट जाता हूँ, क्या आने वाले असेंबली चुनाव में फिर मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं उद्धव जी? वो होना चाहिए, ऐसी पूरी महाराष्ट्र की जनता की मांग है। आप अगर देखें तो कोरोना के कार्यकाल में भी, कोरोना में आदरणीय पंतप्रधान जी भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं घूम सकते थे, कोई भी मंत्री घूम नहीं सकता था, जो होती थी बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंस से होती थी। वैसा ही उन्होंने जब कोरोना को रोकने के काम महाराष्ट्र में जिस तरीके से किया था, और मुझे याद है तभी एक केंद्रीय मंत्री की बयान था कि कोरोना में सिर्फ मुंबई में कम से कम 1.5 लाख लोग मरेंगे, ये बयान था। उनके दुर्भाग्य से और हमारे सद्भाग्य से धारावी में भी कोरोना को रोकने का काम, पूरे महाराष्ट्र के कोरोना को रोकने का काम सबसे पहले सफल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर राजेश टोपे, इनके माध्यम से कहा, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसका सराहना किया, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसकी सराहना की। लेकिन उस वक्त ये गवर्नमेंट, उन्होंने रेमडेसिविर नहीं देती थी, कुछ बाद में जो कोरोना लस आ गई वो नहीं देती थी, लेकिन डरे नहीं। और विशेषता एक है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वहाँ कोरोना से मरे हुए लोगों की लाशों, हजारों की लाशों गंगा में बहती थी, और यहाँ महाराष्ट्र में हर एक लाश को सम्मान से उसका क्रियाकर्म करना, ये पवित्र कार्य उद्धव साहब के नेतृत्व के सरकार ने किया। सर मुझे एक बात बताइए, गिवन अ चांस, क्या आप अपोजिशन को हराने के लिए MIM से अलायंस करेंगे? बिल्कुल नहीं। आज मुस्लिम समाज हमारे साथ जरूर है, लेकिन MIM के रूप में नहीं, एज ए हिंदुस्तानी करके, ये देश के वो नागरिक है, इस रूप से उद्धव जी को चाहते है, आघाड़ी को चाहते है, और यही उनकी दुख की बात है उनके लिए। मुझे एक बात बताइए, अभी रिसेंटली हम बहुत सारा न्यूज में देख रहे हैं कि नीतीश राणे जो है वो ही इज ट्राइंग टू बी कम्युनल और डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि BJP उनको रोक क्यों नहीं रही है? नहीं रोकेंगे। क्यों? क्यों भारतीय जनता पार्टी को उद्धव जी ठाकरे जी के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ भूकने के लिए एक पालीव प्राणी की आवश्यकता है, वही भूमिका वो बजा निभाता है। ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी के जो लोग है वो उद्धव जी के खिलाफ चिल्लाते हैं, लेकिन उनको एक मर्यादा है, संस्कृति है, लेकिन गंदी शब्द में और गलत तरीके से अगर कुछ बकवासगिरी अगर करते हैं, वो बकवासगिरी करने का रोल नीतीश राणे निभाता है। तो आपका मैसेज क्या है ऐसे लोगों के लिए टू स्टॉप देम? हमारे कोकण की जो संस्कृति है ये साधु संतों की भूमि है, महाराष्ट्र भी साधु संतों की भूमि है, ऐसे हम इसे विचार नहीं कहते, इन्हें हम विकार कहते हैं, विकार। ये विकार का नाश करने के लिए भूमि सक्षम है, विचार सक्षम है। मुझे एक बात बताइए कि हु यू फाइंड मोर चैलेंजिंग इन योर लोकसभा इलेक्शन, राणे और सामन? देखिए मैं इनके तरफ चैलेंज करके नहीं देखता हूँ। या क्या मायूती अभी मतलब असमंजस में है कि आप अभी यू आर अ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हियर, तो वो क्या असमंजस में है कि आपके खिलाफ किसको खड़ा करें? नहीं, उसमें वो देख रहे हैं कि विनायक राउत के खिलाफ अगर जो कैंडिडेट देंगे वो उसमें से कौन कैंडिडेट कम से कम वोटों से हारेगा। अच्छा तो okay. हमने निर्धार किया है, हमारे कार्यकर्ता आगे नहीं है, हम 2.5 लाख के लीड से हम जीतने वाले, यानी 2.5 लाख के वोट से वो लोग हारने वाले, यानी गैप तो देख रहे हैं, 2.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख से कौन हारेगा वो देखते हैं। दोनों में आपका सबसे खास दोस्त कौन थे, राणे और सामंत? देखिए नारायण राणे जी का भी मैं उस वक्त आदर करता था, क्योंकि उनके साथ मैं कॉर्पोरेटर के रूप में काम किया था, वो जब CM थे तभी भी कभी कभी जाता था, पर्सनल फायदे के लिए मैं कुछ गया नहीं कभी। किरण सामंत उनके भाई जो है उदय सामंत, हमारे शिवसेना पार्टी में थे, उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार में मंत्री भी थे, देवेंद्र फडणवीस साहब के कार्यकाल में भी वो मंत्री थे,
एक ठीक है, हम रिस्पेक्ट उनका करते थे, लेकिन सिर्फ स्वार्थ के लिए उन्होंने उद्धव जी ठाकरे जैसे के बेईमानी करके वो जो गद्दार के कंपों में गए, हमें नहीं चाहिए वो। उस वक्त हम जरूर दोस्ती करते थे, लेकिन अभी नहीं। आपको क्या लगता है कि अभी जैसे शिवसेना और एनसीपी दोनों डिवाइड है, तो ये इलेक्शन पहले जितना आसान था अब उतना आपके लिए डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने आपने एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया था अपने मित्र के बारे में कि हेल्थ सेक्टर इन महाराष्ट्र इज ऑन वेंटिलेटर। आज भी यहाँ से आधा किलोमीटर अंतर के ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ जाते और बुखार के लिए आपके पास मेडिसिन है क्या अगर पूछे तो बोले ये प्रिस्क्रिप्शन लीजिए और बाहर से खरीदी करके लेके आइए। जो पैरासीटामोल टैबलेट, डोलो हो या एनीमा, अगर किसी को लगाना हो बेसिक मेडिसिन एनीमा, अगर किसी को लगाना हो वो ट्यूब भी बाहर से खरीदी करनी पड़ती है। ये पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल की, ये जो एड चलाया था हेल्थ के ऊपर बाला साहब ठाकरे दवाखाना और वो सब, तो वो क्या सब होक्स है? बोगस है। सिर्फ मुंबई में कई जगह पे बाला साहब ठाकरे दवाखाना चालू किए हैं मुंबई में, लेकिन मुंबई की आज भी हॉस्पिटल्स है जो मुंबई महापालिका के माध्यम से चल रहे वो इससे कई बेहतर है, अच्छी है, लेकिन ग्रामीण इलाके की जो आरोग्य यंत्रणा है पूरी तरीके से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट के, हेल्थ मिनिस्टर की। आज वहाँ काम करने के लिए क्लास 4 के कर्मचारी है नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो अगर डॉक्टर्स रहे तो भी उन्हें 3-3 महीना पगार नहीं मिलते। NRHM का स्टाफ है, उन्हें 6-6 महीना तक उनका वेतन नहीं मिलते। NRHM के डॉक्टर 4 महीने से पहले किसी को भी वेतन नहीं मिलते। आज के हेल्थ मिनिस्टर सिर्फ टक्केवारी का मिनिस्टर है, परसेंटेज यानी टक्केवारी मराठी में, परसेंटेज वाला मिनिस्टर है। तो उससे हाथों से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं। लेकिन फिर एक बार महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि कोरोना के कार्यकाल में मुंबई के साथ महाराष्ट्र के जनता, उस वक्त ऐसा नहीं देखा कोई मराठी है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई उत्तर भारतीय हो, कोई दक्षिण भारतीय हो, सारे महाराष्ट्र में रहने वाले जो जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, उसको रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है समझकर उद्धव जी ठाकरे जी ने जो काम किया, वैसे मुख्यमंत्री फिर एक बार ये महाराष्ट्र को मिलना चाहिए, ये मांग पूरे महाराष्ट्र की जनता की है। सर मुझे बताइए, अभी रिसेंटली जो है एकनाथ शिंदे जी ने एक वीडियो चलाया था बाला साहब का, जहां उन्होंने बोला था कि कांग्रेस के साथ जाने से बेहतर है कि मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बेईमानी की उद्धव जी ठाकरे जी के साथ नहीं, शिवसेना के साथ ही, तो ऐसे बेईमान लोगों को सबक सिखाना भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसका रेफरेंस क्या हम अपने डिबेट के शुरुआत के पॉइंट में नहीं पकड़ेंगे, जहां एक पॉइंट पे इनिशियल डेज में बाला साहब ने इंदिरा गांधी जी को भी सपोर्ट किया, किया था। इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट नहीं, उनके कैंडिडेट को समर्थन भी दिया था ताकि राष्ट्रपति जी के चुनाव में भी पाटिल मैडम जो थी उन्होंने उन्हें भी समर्थन दिया था, प्रणव मुखर्जी थे उनका भी समर्थन किया था। तो आपको नहीं लगता कि आज के जो सरकमस्टांसेस है अगर बाला साहब होते तो भी वही डिसीजन लेते जो उद्धव? डेफिनेटली साहब बोलते थे ये बेईमान लोगों को खत्म करो और इनके साथ आप दोस्ती करें, क्यों बाला साहब उस वक्त भी चाहे शरद पवार साहब हो, उस वक्त के मुरली देवरा साहब हो, बैरिस्टर रजनी पटेल का नहीं होता था उतना जी, ये सारे कांग्रेसी नेताओं के साथ भी अच्छा था, लेकिन जब हिंदुत्व का स्वीकार करके बाला साहब ने सबसे पहली चुनाव लड़े पार्ला के बाई इलेक्शन जी, उस वक्त हिंदुत्व का लेकर हम चुनाव नहीं लड़ने वाले ऐसे बताने वाले आज से भारतीय जनता पार्टी के नेता, दुर्भाग्य से प्रमोद जी महाजन और गोपीनाथ राव जी मुंडे नहीं रहे, लालकृष्ण अडवाणी साहब का भी आवाज़ नहीं रहा, आज वही लोग बोलते हैं हम हिंदुत्व के पुरस्कर्ता है और उद्धव जी ठाकरे जी ने हिंदुत्व छोड़ा है। रामलला का मंदिर होना चाहिए पहले बताने वाले हमारे बाला साहब है, हमारे उद्धव जी ठाकरे है। तो सर मुझे एक बात बताइए, प्रकाश अंबेडकर जी आपसे नाराज क्यों है? शिवसेना से ही सेड आई लॉस्ट फेथ ऑन शिवसेना एंड NCP, तो क्या आप लोग उनको मनाने की कोशिश करेंगे एज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अलायंस? दुर्भाग्य की बात है ऐसे वो बात कर रहे हैं। माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी का सबसे पहले बातचीत शुरू की हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब ने, ऑफिशियली अम्बेडकर भवन में जाकर
शिवसेना और वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस डिक्लेयर किया हमारे उद्धव साहब ने। प्रकाश अंबेडकर साहब आघाड़ी में आना ही चाहिए ये बताने वाले उद्धव जी ठाकरे, आज भी 2 से 3, 3 से 4 तक उन्हें सीट मिल रही है 4 महाराष्ट्र में। और भी वो अगर विनंती करें तो और भी एक सीट समझो मिल भी सकती है, लेकिन उनको जो डायलॉग है वो डायलॉग वैसे सिस्टम से क्या होना चाहिए। आप लोग मनाने की कोशिश करोगे? बहुत बहुत मनाने के लिए कोशिश की हम बार बार उनके साथ, कम से कम आज तक वंचित के साथ हम लोग 25 बार मीटिंग कर चुके हैं। सर आपके इस लोकसभा इलेक्शन में लोगों के बीच में क्या क्या प्रोमिसेस लेकर जा रहे हैं? बेरोजगारी है सबसे बड़ा हमारा मुद्दा तो है ही यहाँ। बेरोजगारी के साथ साथ जैसे मैं कहा कि हमारे कोकण की जो किनार यानी समुद्र की तटीय क्षेत्र की जो बस्ती है सबसे लंबी है, कम से कम 250 किलोमीटर का समुद्र तटीय क्षेत्र है जी, यानी पूरे महाराष्ट्र में देखें तो 722 किलोमीटर की लंबी एक क्षेत्र है, तो इससे पर्यटन के रूप में इसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ कोस्टल सर्किट जैसे है वैसे हिली सर्किट भी उतना ही बेहतरीन है। वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो भी उतना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और इसीलिए मैंने मांग की थी शुरू में भी प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना में हमारे सिंधुदुर्ग आना चाहिए, रत्नागिरी भी आना चाहिए। उस वक्त सिंधुदुर्ग को लिया था लेकिन सही तरीके से निधि का वितरण नहीं हुआ, वितरण हुआ लेकिन ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने उस वक्त प्रॉपरली वो उसको इस्तेमाल नहीं किया। फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से और संसद में मैंने मांग की संसद सभागृह में कि प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना पार्ट 2 में हमारे सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी दोनों जिले आने चाहिए। केंद्र सरकार की कृपा से आए हैं और उस माध्यम से हम कोकण का डेवलपमेंट करने का मकसद मेरा है। बाकी के तो बहुत प्रश्न है, आम उत्पादक किसानों का प्रश्न है, कैशू है, नारियल है, सुपारी है, किसान है उनके भी प्रश्न है। आज मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग की अवस्था आप, होगा, हाँ। आप अगर आज आए हैं मुंबई गोवा तो आप अगर चिपलून से देखे, चिपलून तक मेरा एरिया है जी, तो वहाँ से देखे तो कई बार माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से पीछे पड़कर उनको विनंती करके अच्छे ठेकेदार दे, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर दे, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स ने जो करप्ट प्रैक्टिस करने वाले वहाँ ठेकेदार दे, इसके लिए वहाँ रास्ता नहीं हो रहा है। लेकिन आप राजापुर का सिंधुदुर्ग का अगर रास्ता देखते हैं तो कितना बढ़िया रास्ता बन चुका है। ये रास्ता बनाने के लिए मेरी कोशिश तो चालू है लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सही नहीं मिल रहा है। इस जिम्मेदारी महाराष्ट्र के PWD डिपार्टमेंट के PWD मिनिस्टर की भी है। सर मुझे एक बात बताइए, क्या इस बार 400 पार होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आघाड़ी अपना अच्छा मजबूत स्थान निर्माण तो डेफिनेटली करेंगे। माननीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा को जो लोगों का समर्थन मिला है, आज महाराष्ट्र में माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब हो, माननीय शरद पवार साहब हो, वो जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में घूम रहे हैं, उनको मिलने वाला समर्थन देखे तो लोगों में एक विचार की परिवर्तन, राजनीति की परिवर्तन की समझदारी आ चुकी है। जी मुझे अपने बचपन की कोई कहानी बताइए। मेरा जन्म यहाँ से नज़दीक 6 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है तलगांव, वहाँ मेरा जन्म, मेरे गरीब फैमिली में हुआ। मेरे पिताजी, मेरी माँ और 4 बहन बड़ी थी, मैं लास्ट का भाई बेटा जी। तो लेकिन उस वक्त मेरे पिताजी ने जो ज़मीन रखी थी, आज भी 55 वर्ष हुए मुझे पॉलिटिक्स में, आज भी मेरी उतनी ही ज़मीन मेरे नाम पे है, ना मेरे बेटे के नाम पे है, ना मेरे बेटी के नाम पे, सिर्फ मेरे पार्टी का 2 ऑफिस मैंने एक यहाँ और एक रत्नागिरी में शुरू किया। फिर बाद में मेरे निजी प्रॉपर्टी अगर देखे तो 3.5 एकड़ का ज़मीन वहाँ ही है, आज उतना ही है। मेरे माँ बाप दूसरे के घर में मजदूरी करते थे, खेती का काम करते थे, जो भी कुछ मजदूरी का उपलब्ध होते थे वो करते थे। और हमारे यहाँ पद्धत ऐसी है कि दोपहर के वक्त
जो काम करने के लिए आते हैं उनको खाना देते जी, और वो जो खाना दूसरे के घर में मिलता था वो मेरी माँ एक पत्ते में बांध कर घर में लेके आती थी और हमें खिलाती थी। हमें खिलाने के बाद थोड़ा बहुत रह गया तो वो खाती थी। पिताजी भी वैसे करते थे। तो ये कठिन परिस्थिति में हमें मेरे माँ ने पिताजी ने संभाला है। उनका एक सपना था कि अपना बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं पढ़ाई करने के लिए हमारे पास उतना पैसा ही नहीं था जी। जिला परिषद के स्कूल में मेरा फर्स्ट से सेवन्थ स्टैंडर्ड तक का पढ़ाई हुई जी। बाद में कसाल एक गांव है उसमें न्यू इंग्लिश स्कूल में मैं 8th और 9th ये दो क्लास में गया। और बाद में बहुत हालत ख़राब हो चुकी तो मेरी एक बहन मुंबई में रहती थी तो उनके पास मैं गया और वहाँ उनके रहने सांतारूद वाकोला में झुपड़पट्टी में 10x10 के रूम में पतरे के शेड में रहता था। और वहाँ दिन में फुटपाथ पे बैठ के मैंने कबचे भी बेचे छोटे कहाँ मिले वहाँ नौकरी भी करते थे और रात नाइट स्कूल में मैं जाके पढ़ाई करता था। मुझे एक बात बताइए कि ये हारमोनियम से आपका क्या कनेक्शन है? हारमोनियम तो मेरा एक जिसे मतलब एक जिस इंसान के पास सोने का टाइम नहीं है फैमिली का टाइम नहीं है वो हारमोनियम कब बजाने लग गया और क्या ये कहानी क्या है? लेकिन आज भी क्या वही नहीं को पसंद है हारमोनियम इसीलिए आप बजाते? मेरे घर के पूरे फैमिली को पसंद अच्छा। है और मैं पिछले 25 साल से जब कॉर्पोरेटर था तभी भी हारमोनियम अच्छी तरह से सीखने का प्रयास किया था। थोड़ा बहुत सीखा जी। भजन कीर्तन करना यानी ईश्वर की आराधना करना। ईश्वर को अगर प्राप्त करना हो तो भजन कीर्तन करना ही होगा, भगवान का नाम स्मरण करना ही होगा। और ये संतों का विचार हमारे महाराष्ट्र में संत महाराष्ट्र संत भूमि है, साधु संतों की भूमि है। उनके विचारों का अध्ययन पूरा नहीं थोड़ा सा करता हूँ लेकिन हारमोनियम पे जब मैं बैठता हूँ एक अलग आनंद होता है, निर्माण होता है। मतलब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एक म्यूजिक डायरेक्टर छुपा हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बोलूंगा लेकिन भगवान का सेवक है। मतलब आने वाले वक्त में आपके एल्बम से ऐसे कुछ रिलीज होंगे? मैं प्रदर्शन नहीं करता हूँ लेकिन कोई करना चाहेगा तो आप मना भी नहीं करोगे? मेरा बेटा और बेटी कहते हैं कि एक बार बनाइए लेकिन मैं बोला प्रदर्शन नहीं, मैं भगवान के लिए जब कहाँ जाता हूँ तो लोग जबरदस्ती से बिठाते तो ये प्रदर्शन होना ही चाहिए। एक अभंग हम कहते हैं मराठी में, अभंग आप कहे ऐसा बोलते हैं। मैंने कुछ अच्छा सिंगर नहीं है लेकिन सद्भाग्य से जो आती वाणी जो है वाणी का सदुपयोग विचारों से होनी चाहिए। वही नहीं बोलती है नहीं आपको 50 साल हो गए पॉलिटिक्स में, आप तो टाइम दो घूमने बाहर चलो या कुछ बंगला या ऐसे कुछ कुछ। मैं जैसे मैंने कहा कि मेरे पहले दिन से मेरे नाम पे जो भी 3-3.25 एकड़ जमीन है आज 50 वर्ष के बाद भी उतनी। सर आपने अपने बेटे या बेटी जो अभी कितने साल के होंगे आपके बच्चे? अभी है बेटा है 35 ईयर। तो आपने आप 50 साल हो गए आपने लोगों को टिकट बांटा है, आपने अपने बेटे को क्यों नहीं टिकट दिया कॉर्पोरेशन या एमएलए का या किसी का? देखिए हमारे पास बेटा बेटी को प्रोजेक्ट करने का कुछ उतना तो पावर है आपके पास? नहीं पावर है लेकिन हम नहीं उसको इस्तेमाल करते। किसी को भी टिकट देना का अधिकार हमारे पक्ष प्रमुख जो है उद्धव जी ठाकरे साहब को है, आदित्य जी ठाकरे साहब को है। लेकिन आपने प्रपोज भी नहीं किया कभी? प्रपोज करने की जरूरत नहीं, उन्हें देखते हैं। एक ऐसा है कि उनके पास जाकर ये मेरा बेटा है बेटी है ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। आदित्य जी ठाकरे हो या उद्धव जी ठाकरे साहब हो उनका विजन इतना लंबा है वो देखते हैं जानते हैं कौन क्या कर रहा है और कभी किसको प्रोजेक्ट करना है वो अच्छे तरह से जानते हैं। आपको ट्रोल होता है सोशल मीडिया? मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ ज्यादा नहीं देखता हूँ तो ट्रोलर के लिए एक कोई मैसेज याद है आपको? जरूर है। हमारे महाराष्ट्र में जो संत तुकाराम महाराज जगत गुरु तुकाराम महाराज उन्होंने कहा निंदकाचे घर असावे शेजारी, तो मैं चाहता हूँ ऐसे निंदक होना चाहिए। सो आई विल बी मोर प्रोडक्टिव। यस यस यस। तो उनके लिए ट्रोलर्स के लिए एक मैसेज दीजिए प्लीज। नहीं ट्रोलर्स के लिए यही मैसेज दूंगा मेरे हाथों से अच्छा काम करने के लिए जो जो सुझाव आपको करना है वो आप जरूर करें, मुझे गुस्सा नहीं आऊंगा। लेकिन ऐसे सुझाव करते वक्त समाज हित जो है वो सामने रखे, देश हित सामने रखे,
मतदार क्षेत्र का हित सामने रखे और मुझे मार्गदर्शन करे। धन्यवाद सर। रैपिड फायर राउंड, आपका फेवरेट मालवनी फूड? मैं बांगड़ा बांगड़ा मच्छी भी सस्ती वाली हाँ, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सुरमई खाओ, नहीं उसमें मजा है। बांगड़ा में बांगड़ा सार और बांगड़ा टिकला और चावल की रोटी। अच्छा, तो आप मुंबई जब आओगे तो खिलाना पड़ेगा। जरूर। तो मुझे एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या होते? पॉलिटिक्स में मैं नहीं रहता था तो मैं टीचर बनता था या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनता था। टीचर तो आप बनते तो बहुत लोगों का भला होता, ये मैं मेरी वाइफ बोलती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि वहीनी की एक डिश, वहीनी की बनाई हुई एक डिश जिसमें आज भी आप खामी निकालते हो, आपको पसंद नहीं आती हो? नहीं वैसे नहीं, कुमड़ी वड़े तो हम हमेशा खाना पसंद करता है। कभी कभी वड़ा का स्वाद रहता है ना, वो भी उतने बेस्ट क्वालिटी का निर्माण करने की आवश्यकता सुन रही है। घर में एंट्री नहीं मिलेगी, सुन रही है। एक ऐसी बात जो आपके बारे में किसी को नहीं पता और वो आप बताना चाहोगे? वैसे कुछ नहीं है मेरे पास, किसी को भी पता नहीं चला ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ है जो है ओपन है। और मैं जो भी आते ऐसे जैसे आप बैठे वैसे मेरे मतदान क्षेत्र के कोई भी आदमी आकर बैठ सकते, मेरे पास बात कर सकते, एक ही टेबल में हम बैठकर खाना खाते। जो खाना मेरा कार्यकर्ता खाता है, जो विजिटर्स आ खाता है, वही खाना मैं खाता हूँ। तो कुछ ऐसा आपकी जो लाइफ है ओपन बुक है? ओपन बुक। सर आप अभी क्या सोच रहे हो? नहीं अभी मैं यही सोचता हूँ कि हमारे मातोश्री जो है, और मातोश्री में रहने वाले हमारे उद्धव जी ठाकरे हो, आदित्य जी ठाकरे हो, और मातोश्री का परिवार हो, रश्मि वहीनी साहब और तेजस, इनको उनके ऊपर जो भी कुछ अभी संकटें आई है, मुसीबतें आई है, उसे भगवान दूर करे और उन्हें अच्छा दिन प्राप्त करके दे, ताकि उनके आशीर्वाद से हमें भी अच्छे दिन प्राप्त हो जाएंगे। सर मुझे एक बात बताइए, अगर एक मैसेज आप अपने पार्टी छोड़ने वाले दोस्तों को देना चाहेंगे तो मैसेज क्या होगा? उनको यही बताऊंगा कि इस जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है आपको, और उस मनुष्य देह को सम्मान प्राप्त करके देने का काम जिस मातोश्री ने दिया है, उस मातोश्री से बेईमानी करके आपने गद्दारी करके आपका पूरा जीवन समाप्त किया है, ऐसे ही मैं बताऊंगा। लेकिन ये गद्दार लोगों को फिर शिवसेना में या मातोश्री में आने के लिए उनके दरवाजे खुले नहीं है। ये थे ग्रास रूट से ऊपर आए हुए स्ट्रगल के साथ जिला परिषद स्कूल से अपनी जर्नी को शुरू करके वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंचे ऐसे विनायक राउत जी। सर थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, एंड आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आने वाला लोकसभा जीते और हमारे से फिर मुलाकात करें। थैंक यू सो मच। जरूर करूंगा।